लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यूपी के बरेली में ट्रांस सफर होते ही 82 महिला टीचर हुई प्रेग्नेंट। पढ़ें पूरी खबर। वैसे तो आपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई बहाने बनाते हुए सुना होगा, लेकिन कभी शिक्षक स्कूल जाने के लिए बहाना दें तो ये काफी आश्चर्यजनक है। और बहाना अगर एक साथ गर्भवती होने का हो तो शायद ही किसी ने कहीं सुना हो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में ट्रांसफर होकर आई 82 शिक्षिकाएं एक साथ गर्भवती हो गई हैं। चौंकिए मत, क्योंकि ये हम नहीं, खुद शिक्षिकाएं कह रही हैं। हाल ही में 410 शिक्षिकाओं का बरेली में अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो गया है। ये शिक्षिकाएं शहर से सटे हुए स्कूलों में नियुक्ति चाहती हैं, जिसके लिए 410 में से 82 शिक्षिकाओं ने एक साथ गर्भवती होने का बहाना दे दिया है। ये बहाना आजकल नंबर एक पर चल रहा है। फाइल तस्वीर, 410 महिला और 5 पुरुष शिक्षक का हुआ ट्रांसफर। बरेली में हुए अंतर जनपदीय ट्रांसफर में 410 महिला और 5 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। काउंसलिंग के बाद ही सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए थे। सरकारी नियमों के अनुसार इन शिक्षकों की नियुक्ति भी दूर दराज के खाली पड़े स्कूलों में की गई, लेकिन दूर के स्कूलों में तैनात ये शिक्षक अपने नजदीकी स्कूलों में अपनी नियुक्ति चाहते हैं। इस नजदीकी स्कूल की नियुक्ति के लिए शिक्षकों में जंग छिड़ गई है। इस स्कूल बदलने के संबंध में अब तक लगभग 250 आवेदन BSA दफ्तर में आ चुके हैं। स्कूल बदलाव के लिए शिक्षिकाओं ने अलग अलग वजह बताई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा शिक्षिकाओं ने गर्भवती होने के कारण बताया है। बदलाव के लिए ये कारण देने वालों में 82 शिक्षिकाएं शामिल हैं। इन्होंने पास के स्कूलों में तैनाती की मांग की है। BSA खुद भी इन आवेदनों को देखकर चौंक गए हैं। 32 शिक्षिकाओं को रीढ़ संबंधी दिक्कत। इस नई तैनाती के संदर्भ में बताए गए कारणों में रीढ़ संबंधी दिक्कत दूसरे नंबर पर शामिल है। इस बीमारी की अभी तक 32 शिक्षिकाएं शिकार हो चुकी हैं। इन 32 शिक्षिकाओं ने इस कारण से अपने पास के स्कूल में तैनाती की मांग की है। 12 से अधिक शिक्षिकाएं अपने बूढ़े सास ससुर की चिंता की वजह से भी इसे मांग कर रही हैं। कुछ शिक्षिकाएं तो अपने दूध मुंहे बच्चों की वजह से घर के पास वाले स्कूलों में नियुक्ति चाहती हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही शिक्षिकाओं के आवेदन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो दूरी के कारण संबंधित स्कूल में जॉब नहीं कर पाएंगी। राजनेताओं ने भी लगाए सिफारिश पत्र। इन आवेदनों की लिस्ट में राजनेताओं की सिफारिश पत्रों की भी कमी नहीं है। ये पत्र भी शिक्षिकाओं के अगल बगल के स्कूलों में नियुक्ति के लिए हैं। सिफारिश लगाने वाले राजनेताओं में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, विधायकों के साथ साथ MLC जयपाल व्यस्तक शामिल हैं। इस संदर्भ में BSA तनुजा मिश्रा ने कहा कि कोई भी दूर के स्कूलों में जाना नहीं चाह रहा है। ऐसे में आखिर वहां पढ़ाई कैसे होगी? 60% महिलाओं ने तो गर्भवती होने का हवाला दिया है। इनमें बहानेबाज ज्यादा लग रहे हैं। झूठ सच की पहचान कर वास्तव में जिसकी बात सही होगी उस पर ही मानवीय दृष्टिकोण से फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज के ब्लॉकों में स्थित स्कूलों में महिलाओं की संख्या काफी कम है। इन महिला शिक्षिकाओं के मुकाबले यहां पुरुष शिक्षक की संख्या ज्यादा है। बता दें, उत्तर प्रदेश के भदपुरा ब्लॉक में पुरुष शिक्षकों की संख्या 323 है, जबकि महिलाओं की केवल 128। प्रदेश के मझगवा ब्लॉक में पुरुष शिक्षक की तादाद 311 व महिला शिक्षक की 176 है। रामनगर में इस संख्या का आंकड़ा 262 पुरुष और 94 महिला शिक्षक पर अटका पड़ा है। साथ ही दमखोदा ब्लॉक में इस संख्या में पुरुष शिक्षक 270 पर हैं और शिक्षिकाएं 191 पर, और शेरगढ़ पर स्थित स्कूल में ये आंकड़ा 208 पुरुष व 100 महिला शिक्षक पर पहुंचा हुआ है।